मैच में 66 रन इन्होंने बनाए 43 बॉल्स का सामना करते हुए 150 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 5 चौके और मतलब 4 छक्के भी लगाए हैं। साथ ही साथ इनकी जो मतलब पोजीशन के साथ भी छेड़छाड़ किया गया, लेकिन बावजूद इसके ये ऊपर आए, नंबर 3 पर खेलने आए और धमाल इन्होंने मचा दिया। इनसे उम्मीदें थी, शुभमन गिल ने आज दिल जीते नहीं, आई थिंक दिल तोड़े हैं। 6 रन इन्होंने बनाए हैं 5 गेंदों का सामना करते हुए, 120 का मामूली स्ट्राइक रेट, 1 चौका इन्होंने जरूर लगा दिया था। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? यार रिद्धिमान साहा ठीक ठाक चल गए आज, आपके तो बड़े इफेक्टिव प्लेयर आपके यही थे शायद जो आपने सुबह बताए थे। हाँ, मतलब उम्मीद लगाई थी, कयास लगाया था कि हो सकता है कि वह रिद्धिमान साहा अच्छी पारी खेलते और 39 बनाए, लेकिन साई सुदर्शन अब इस बल्लेबाज ने भी आज बड़ा शानदार टेम्परामेंट दिखाया, इंटेंट दिखाया और विल पावर भी दिखी कि हाँ मैं बना सकता हूँ रन। आज 65 बनाए 39 बॉल्स में और 7 चौके 2 छक्के लगाए। बस थोड़ा सा कसक ये रहेगी कि मैच फिनिश नहीं कर पाए, मैं चाहता लंबी पारी खेले और मैच फिनिश करके आए। भाई संदीप वॉरियर की तारीफ करनी पड़ेगी, 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और 3 विकेट झटके हैं इस गेंदबाज ने। भाई हम कह रहे थे कि ना पेस अटैक गुजरात टाइटंस का थोड़ा सा सवाल निशान है, लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं दिल जीता है। संदीप वॉरियर की बॉलिंग की बात करें, लेकिन जल्दी से हम आपको मैच का हाल बता देते हैं, हुआ क्या क्या था। भाई दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग की, उसमें पृथ्वी शो ने आगाज चौके के साथ किया था। हमें लगा था कि यार आज तो पॉजिटिव फ्रेम माइंड में है, आज तो लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर वो जल्दी आउट हो गए और वॉरियर ने कैच पकड़ा नूर अहमद की गेंद पर। उसके बाद जैक फ्रेजर, इनसे बड़ी उम्मीदें रहती हमेशा, जब से टीम में आए हम सोचते हैं आज भी बनाई देंगे, लेकिन आज भी देखिए 23 ही बना पाए। और अक्षर पटेल, जैसे श्रद्धा ने कहा भाई आज ये कहीं ना कहीं क्रूशियल नॉक थी, जिस तरीके की बैटिंग है, 66 बनाए 43 बॉल में और उनका साथ दिया ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ने 88 बनाए 43 गेंदों पर और जो कैमियो इनिंग फिनिश की है वो की है ट्रिस्टन स्टब्स ने, अब जिसकी बदौलत स्कोर पहुंच गया 224। अब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना स्कोर हो जाएगा, लेकिन जब चेंज करने आए भाई शुभमन गिल का बल्ला फिर नहीं चला बिल्कुल। ये और ये T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिहाज से भी बहुत ज्यादा खराब चीज है कि गिल का बल्ला नहीं चल पा रहा है। गिल वही ना, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे मोनू, कि गिल टूटी फूटी अभी कंसिस्टेंसी उनके पास है, अभी मतलब बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है, एक मैच में चलते हैं एक मैच में नहीं चलते। और आज जब टीम को शायद ज्यादा तेज शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप 225 चेज कर रहे हो तो आपकी शुरुआत बेहतरीन होनी चाहिए, आप गुच्छों में रन मतलब गुच्छों में रन आपको बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, लेकिन तारीफ करनी होगी साई सुदर्शन की, जिन्होंने अभी मतलब कुछ मैच चल रहे हैं कुछ मैच नहीं चल रहे हैं, लेकिन आज का जो मुकाबला था उसमें साई सुदर्शन की एक इफेक्टिव नॉक हमें देखने को मिली। नहीं, मैच बना दिया था रिद्धिमान साहा ने और साथ ही साई सुदर्शन की अपनी बात की, पहले 6 ओवर में 67 बना दिए थे, एक ही आउट था ना गिल, उसके बाद मोमेंटम आपके पास था, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स, हम बार बार वही बात कर रहे थे कि भाई जीटी को ना मिडिल ऑर्डर का उस तरीके साथ मिला नहीं। और अगर मैं मिडिल ऑर्डर देखूं ना आज बैटिंग में, तो वहां पर हमने देखा कि भाई चाहे जो पारी है रिद्धिमान साहा ने 39 जरूर बनाई, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल का फ्लॉप, उसके बाद आजमतुल्ला उमरजई, इनसे बड़ी उम्मीदें रहती है, लेकिन ये भी एक रन बना पाए। शाहरुख खान आज कुछ खास नहीं कर पाए, राहुल तेवतिया नहीं मैच फिनिश कर पाए, लेकिन डेविड मिलर ने आज दिल जीता, भाई 55 बनाए 23 गेंदों पर, इस खिलाड़ी ने भी बड़ी अच्छी पारी खेली है। और साथ ही साथ भाई राशिद खान आकर पता नहीं वो क्या ऐसा करते हैं, उसमें कुछ तो है। देखिए पिछली बार की मोनू आपको याद होगा, पिछले सीजन की 2023 आईपीएल 2023 की सबसे फेवरेट जोड़ियों में से एक थी राशिद खान और राहुल तेवतिया, इन्होंने बड़े-बड़े मैचेस फिक्स कर, वो बड़े-बड़े मैचेस जो है बनाए हैं वो एक्सेप्शनल जी, मतलब फिक्स में सेंस की बनाए हैं मैच, और मतलब अपने हिसाब से मोल्ड करे मोल्ड किए हैं, और इनमें यही तो खास बात है कि मैच का रुख पलटने में माहिर हैं दोनों बैट्समैन। जब भी ऐसा फंसा हुआ मुकाबला होता है ना, आप देखते हैं हमेशा जीटी ही जीतती है, बिकॉज उनके पास राशिद खान है, राहुल तेवतिया है, डेविड मिलर है। डेविड मिलर का फ्लॉप होना भी एक जीटी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, बट आज फिर भी वो चले हैं। आज तो मुझे लगा जब डेविड मिलर का विकेट गया, मुझे लगा यहां से मैच फिर से डीसी के पाले में चला गया। बिल्कुल, लेकिन आप राशिद खान की तारीफ कर रहे थे भाई, इसी सीजन में अगर आप देखें ना, राजस्थान रॉयल्स को हराया था इन्होंने आखिरी गेंद पे चौका लगाकर, भाई राशिद खान आपको याद होगा इस सीजन में शॉट्स की तो मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ, जिस तरीके से माही का स्नेक शॉट इनके सांप जैसे घुमाते हैं ना, स्नेक शॉट इनका पिछले साल भी बड़ा फेमस हुआ था और इनके स्नेक शॉट की मैं बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, आज हमें देखने को मिला। तो जबरदस्त पारी खेली है राशिद खान ने, हालांकि जीत नहीं दिला पाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने आई थिंक वो 5 रन रोक दिए, एक छक्का रोक दिया था, 5 रन रोक दिए थे, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गया, आई थिंक हो सकता टर्निंग पॉइंट हो जाए मैच का, जिस तरीके वो फील्डिंग गजब की थी और वहां पर 5 रन रोके, हारे भी कितने सही हैं,
तीन या चार रन से तो आ रहे, चार रन से तो आ रहे, चौका ही चाहिए था बट नहीं हो पाया। अब ऐसे में श्रद्धा क्या लगता है, अब गुजरात टाइटंस का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो गया? देखिए अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, आपको 16 पॉइंट्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और कितने अगर जीतती भी है तो एक अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान का जो नेट रन रेट है वो भी माइनस में, हालांकि डीसी का भी माइनस में है, बट डीसी एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर आ गई है गुजरात टाइटंस से, तो थोड़ा सा डीसी का विल पावर बढ़ेगा, बट गुजरात टाइटंस को सोचना पड़ेगा यार, घर जाके पेन पेपर लेके नेहरा जी वाला सोचना पड़ेगा कि कहां गलती हो रही है। आई थिंक इनके जो डेविड मिलर ये नहीं चल रहे, इस पे थोड़ा सा ज्यादा दारोमदार है टिका हुआ कि ये क्यों नहीं चल रहा है। साथ ही साथ साई सुदर्शन और रिद्धिमान साह की आज ही तो पारी आई है, और साई सुदर्शन की आज ही पारी आई है, ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैक कर रही है, और पिछले साल यही कंसिस्टेंसी गुजरात की टीम में थी, शायद तभी वो फाइनलिस्ट बने थे। याद देखिए साई सुदर्शन की बात करें तो 39 रन इन्होंने बनाए 25 बॉल्स में, शुरुआत में रन बॉल्स खेल रहे थे बट उसके बाद काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट इनका रहा जिसमें 7 चौके इन्होंने लगाया। उसके बाद रिद्धिमान साह की बात करें, 39 रन इन्होंने बनाए 25 बॉल्स का सामना करते हुए। रिद्धिमान साह ने पीछे एक स्टंपिंग जरूर मिस की थी, वो स्टंपिंग किसकी थी मुझे याद नहीं आ रही, बट एक स्टंपिंग इन्होंने जरूर मिस करी थी दिल्ली कैपिटल्स की, तो बड़ा ही इफेक्टिव मैच रहा, बहुत अच्छे चौके छक्के हमें देखने को मिले। ऋषभ पंत की बढ़िया पारी देखने को मिली, ऋषभ पंत ने स्टंपिंग में भी एक शायद शाहरुख खान का कैच पकड़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शाहरुख खान का एक कैच पकड़ा था, वो बड़ा ही जबरदस्त कैच था, मतलब वो था ना ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब इतनी जल्दी उन्होंने कैच पकड़ लिया कि समझ ही नहीं आया। तो आई थिंक टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। साथ ही बापू आज चले हैं भैया, 66 रन उन्होंने बनाए हैं बापू ने, अक्षर पटेल ने, साथ ही 3 कैच भी पकड़े हैं वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और एक शायद विकेट भी उन्होंने चटकाया, तो बापू का आज जलवा देखने को मिला, 66 रन बनाए हैं 43 बॉल्स में और 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट यार, वो कहीं भाई वाइटल रोल रहा है अक्षर पटेल का इस बड़ी जीत में। लेकिन मैं लास्ट का रोमांच बता देता हूं दोस्तों, बड़ा वो जो ओवर था ना भाई, 19 चाहिए थे 6 गेंद में, हमने कहा 19 बनते नहीं है यार, 13-14 होते तो चलो बन भी जाते हैं राशिद खान ने, लेकिन पहली गेंद में चौका लगा दिया, जैसे वो आपने बताया ना कैच, बड़ा मुश्किल कैच था लेकिन उन्होंने पकड़ा वो कैच बाउंड्री लाइन पर, उसके बाद फिर अगली गेंद फेंकी चौका आ गया, अब एक दो लगातार बैक टू बैक चौके आ गए, 11 रह गए 4 गेंदों में, मुझे लगा बन जाएंगे, फिर मुकेश ने ऐसी गेंद फांकी ना राशिद खान को, कुछ कर ही नहीं पाए, उसका कुछ जवाब था ही नहीं, अब 3 में 11 रह गए, अगली गेंद कोई रन नहीं, 2 में 11, फिर वो रोमांच आ गया, हमें लगा यार क्या हो सकता है, वो लो जी छक्का लगा दिया राशिद खान ने, हमको तो लग रहा था इवन कि सुपर ओवर तक जाए, सुपर ओवर, फिर तीनों रिजल्ट पॉसिबल हो गए कि यहां से गुजरात भी जीत सकती है, दिल्ली भी जीत सकती है, सुपर ओवर भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट गेंद फेंकी ना बड़ी गजब की गेंद फेंकी थी यार, उस पर लेंथ डिलीवरी थी, हालांकि राशिद खान कुछ कर नहीं पाए और ये मुकाबला दिल्ली 4 रनों से जीत गया। ये वाला 20वां ओवर नहीं, जो गुजरात टाइटन से 20वां ओवर डाला वो भी बड़ा इफेक्टिव था, क्योंकि 20वें ओवर में मोहित शर्मा को ऋषभ पंत ने 31 रन 31 रन जो है मार दिए थे, सबसे महंगा, आई थिंक सेकंड महंगा, आपने सही याद दिलाया मुझे भाई, मोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है आईपीएल में, सबसे ज्यादा रन कंसीड रन करने वाले मोहित शर्मा बन गए 73 4 ओवर में, उससे पहले बासित थम्पी थे लेकिन उनको भी पीछे छोड़ दिया मोहित शर्मा ने, भाई बहुत महंगे गेंदबाज साबित हुए, बिल्कुल एक इनके सुप्रीम बॉलर माने जाते थे शमी के साथ, तो आज देखिए कितनी ज्यादा पिटाई हुई है, और आई थिंक ये ऋषभ पंत के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, आज उन्होंने हेलीकॉप्टर मिनी हेलीकॉप्टर लेट के गिर के हर जगह रना, उनकी गाबा वाली इनिंग याद आ गई ऋषभ पंत की आज मुझे, जिस तरीके से वो उनका एक सिग्नेचर शॉट बन जाता है ना, गिरते गिरते वो छक्के मार देते हैं, एक हाथ से छक्के मार देते हैं, तो वो आज देखने को मिला। बिल्कुल, अगर आप तारीफ कर ही रहे हैं ऐसे प्लेयर की तो भाई आपको आज दिखाई देते हैं, भाई वैसे आप गैस भी कर सकते हो कौन प्लेयर होगा ये, भाई हमारा खास सेगमेंट है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, क्योंकि जो ओकिनावा की स्कूटी है वो कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही है, माइलेज बड़ा शानदार देती है, 7 से 8 कलर में आती है, वैसे आप खरीद भी सकते हैं, तो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है देख ही लेते हैं भाई, जो श्रद्धा तारीफ कर रही थी उस प्लेयर की, ये लीजिए आपके सामने ऋषभ पंत, इस बंदे का नाम है और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं, आज 88 बनाए और नॉट आउट रहे, अच्छी बात ये थी, सिर्फ 43 बॉल्स में, और जो पिछली पारी में हम थोड़ी सी सवाल उठा रहे थे कि स्लो पारी थी, आज उसकी भरपाई कर दी, आज उसकी भरपाई कर दी बिल्कुल, पिछले बार हम बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे थे, हम ही दोनों थे, हम क्या पूरा भारत सवाल उठा रहा था कि कितनी जो आप रन बॉल्स खेल रहे, बट आज आई थिंक उन्होंने 88 नॉट आउट लॉट के सबके मुंह पे तमाचे मार दिए, सारे ट्रोलर्स को जवाब दे दिए और अपनी दावेदारी ठोक दी है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी
बन गए हैं और आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा मतलब रन बनाने वाले विकेट कीपर खिलाड़ी भी बन गए, विकेट कीपर बल्लेबाज भी बन गए। आपने बड़ा अच्छी बात बोली कि T20 वर्ल्ड कप के लिए, भाई ये तो वैसे तो पक्के ही थे ऋषभ पंत ही खेलेंगे। और बता दिया कि और कौन है और भाई इन्होंने ये बता दिया कि मैं बहुत आगे चला गया हूँ विकेट कीपिंग की रेस में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता था, अगर सोचिए आप दोस्तों, अगर ये मैच जो जीतने वाला था वो मैच हैदराबाद के खिलाफ, अगर वहां पर ऋषभ पंत बड़ी पारी खेल देते और ऐसी पारी खेलते जैसे अब खेली, लेकिन वो 35 से 45 जरूर बनाए थे और मैच नहीं जीत पाए थे। सोचिए अगर वहां पर 11 ओवर में सिर्फ 70 रन के आसपास आए, अगर वो उस मैच में ऋषभ पंत कुछ ऐसी पारी खेलते तो जीत आ जाती भाई। 2 पॉइंट आज देखिए कहां होते। बिल्कुल यार, देखिए एक एक मैच का फर्क पड़ता है, दो दो पॉइंट्स का फर्क पड़ता है। आई थिंक अगर ये आपने बड़ा सही कहा कि अगर उस टाइम पे भी ऋषभ पंत ऐसे ही खेलते तो आई थिंक आज जो मतलब डीसी की टीम है वो थोड़ा सा और ऊपर उठती और 2 पॉइंट और उनके खाते में होते और फिर ये वही वाली सिचुएशन आ जाती कि LSG और CSK का जो हाल है वैसे ही दिल्ली का भी हो जाता और टॉप 4 में जा सकते, हालांकि अभी भी जा सकती दोस्तों, लेकिन ये जो बड़ी जीत आई है उसमें बहुत सारे रोल्स रहेगा। कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जैसे आपने बताया अक्षर पटेल की वो पारी और साथ ही साथ 3 कैच, भाई आपको क्या लगता है ऋषभ पंत की वो जो पारी थी वो सबसे दमदार थी इस मैच में, या आपको लगा कि यार किसने इंप्रेस किया, अक्षर पटेल या पंत? आप कमेंट कीजिए, तब तक आपको कमेंट लेते हैं। आपको वैसे किसने इंप्रेस किया? देखिए मुझे तो यार ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा, बट बापू ने उस ऋषभ पंत ने देखिए टीम इंडिया के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो उन्होंने इंप्रेस किया, बट बापू ने इसलिए ज्यादा किया क्योंकि अक्षर पटेल की आपने जगह के साथ भी छेड़छाड़ किया, आपने उनको आज फ्लोटर की तरह पे यूज किया, उनको 3 नंबर खिलाया जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा सरप्राइज किसी को पता नहीं था कि आने वाला है दिल्ली के खेमे से, 3 नंबर पर उनको खिलाया और 3 नंबर पर उन्होंने जिस तरीके से खेला वो एक्सेप्शनल था। पिछले सीजन अगर आपको याद होगा तो अक्षर पटेल की बैटिंग ही नहीं आती थी, हम लोग कहते रह जाते थे यार अक्षर को क्यों आप ऊपर नहीं खिलाते हो, बट आज आई थिंक एक सरप्राइज दे दिया दिल्ली की टीम ने और 3 नंबर पर खिलाया और 3 नंबर पर क्या इफेक्टिव साबित हुए हैं, 3 कैच, 1 विकेट और 66 रन की पारी। और हमारे सीनियर अखिल गुप्ता जी हैं वो भी इनफैक्ट बता रहे थे कि भाई अक्षर पटेल ना कल से ही नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, सोचिए आज जैसे मैच स्टार्ट होने से पहले से ही नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। और श्रद्धा पांडे ने मेरे सहयोगी ने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे जब हम बात कर रहे थे मैच के दौरान, आपने कहा कि भाई आज लेफ्ट हैंडर का दिन था, बिल्कुल साई सुदर्शन का भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, ऋषभ पंत ने भी बैटिंग की, अक्षर पटेल ने बैटिंग की। इसके दोस्तों आपने अगर कुछ मिस कर दिया हो ना वो हम दिखा देंगे, हमारा खास सेगमेंट है भाई ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच, क्या क्या है जो रंग बिरंग होते हैं ना मैदान पे आप मिस कर देते हैं भाई वो काम हम कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच क्या क्या है ओकिनावा के, ये देखिए शुभमन गिल, आज 100वां मैच था, भले ही मैच ना जीते हो लेकिन एक कमेंडेबल अचीवमेंट है किसी प्लेयर के लिए 100 मैच खेलना। और ये दिल्ली का जो क्राउड आया था रंग बिरंगे और ये भाई ढोल नगाड़े बजे बिल्कुल देखिए भांगड़ा ढोल नगाड़े बजे और बजने भी चाहिए। देखिए शुभमन गिल 100th मैच खेल रहे थे अपने आईपीएल का, यादगार नहीं बना पाए बट कोई बात नहीं, ये ऑडियंस चेयर कर रही है दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली की जनता खुश आज, बिल्कुल दिल्ली की जनता भैया आज अच्छे से छोले भटूरे खा के सोएगी क्योंकि आज दिल्ली ने बड़ी इफेक्टिव पारी खेली है, साथ साथ कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का काम किया, कप्तानी तो करी है बल्लेबाजी भी की है स्टंपिंग भी की है, तो आई थिंक आज तीनों बॉक्सेस में ऋषभ पंत ने टिक कर दिया और तीनों बॉक्सेस में टिक करने के बाद ऋषभ पंत ने अब T20 वर्ल्ड कप 2024 में विकेट कीपर बल्लेबाजों की जो रेस है उसमें आई थिंक ऋषभ पंत ने DK को भी अब पछाड़ दिया है क्योंकि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ऋषभ पंत ही आने वाले हैं। तो इनकी बात इसलिए की जाएगी क्योंकि आखिरी में जो उन्होंने छक्का रोका था।